ये बहुत ही सुंदर कलर इसमें आया है, एकदम गोल्डन और बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। ये बहुत ही कम सामान से बनता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ पीसेस ब्रेड, थोड़े से मैश बॉइल्ड आलू और 1 चॉप्ड ऑनियन। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे आलू का मसाला। तो चलते हैं अपनी गैस की तरफ। एक कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले हम जीरा, थोड़े से सौंफ और इसमें हम डाल देंगे चॉप प्याज। भुनेंगे थोड़ा सा लाल होने तक। प्याज हमारे भुन गए हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं ये। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से अपने मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दरदरा पिसा हुआ धनिया। साबुत धनिया को हमने दरदरा पीसा है। इसको 1 मिनट के लिए चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा अमचूर। और इसमें हम डाल देंगे अपने उबले हुए पिसे हुए आलू। आलू का मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। गैस को हम कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे हमें प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम अपनी ब्रेड रोल्स तैयार करेंगे। हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब हम शुरू करते हैं ब्रेड रोल्स बनाना। इसके लिए हम लेंगे कुछ स्लाइस ब्रेड। एक ब्रेड की स्लाइस को मैं इस तरह से पानी में डिप करूंगी। एक बार डिप करना है, इसको ऐसे हाथ पे रखेंगे हम, गीले पानी से निकाल के हाथ पे रखेंगे। थोड़ा सा पोर्शन देंगे हम आलू का इस तरह से थोड़ा सा, और इसको सेंटर में रखेंगे। इसको चारों तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और पानी को हम निचोड़ देंगे। किसी भी शेप में इसको आप बना सकते हैं, गोल चकोर जैसे आपको ठीक लगे। ओवल शेप में मैं अभी बना रही हूं। तो पानी पूरी तरीके से निकाल देंगे हम। ये बनके तैयार है। इसी तरह से पहले हम सारे बनाएंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये सभी ब्रेड रोल्स मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। चलिए चलते हैं अपने तेल की तरफ। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके डालेंगे। इसको हम मीडियम गैस पे बनाएंगे, ज्यादा तेज गैस पे हमें इसको नहीं बनाना है। एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे उतने ही डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे हम। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड अपने आप में बहुत जल्दी सिकती है। धीरे धीरे करके इसको हम पलटेंगे, तेजी से नहीं पलटेंगे नहीं तो ये फट जाएंगे। 1 मिनट के अंदर बनके ये तैयार हो जाते हैं। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। ये देखिए ये सभी गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी, बस इसी स्टेज पे निकालना है नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से ये अच्छे से सिक गए हैं। मैं इसको निकाल लूंगी और इसी तरह से अपने सारे हम अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही सुंदर कलर इसमें आया है, एकदम गोल्डन और बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। ये देखिए आप चाहे तो इसके साइड एजेस निकाल भी सकते हैं। हम इसको टमाटो सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।